हेलो फ्रेंड्स, ए बी रसोई में आपका बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कटहर का भाजी। तो कटहर का भाजी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, तो चलो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके कर दे। तो चलो कटहर का भाजी बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, तो चलो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, वो आपको मेरी मम्मी बताएगी। यहाँ पे लिए हमने कटहर, इसे अच्छी तरह से हमने बड़े बड़े पीस में काट लिए हैं। यहाँ पे लिए टमाटर दो, इसे भी हमने बारीक काट लिए हैं। यहाँ पे लहसुन और अदरक लिए हैं, और यहाँ पे लिए हैं दो प्याज, इसे हमें अच्छे से बड़े बड़े पीस में काट लिए हैं। यहाँ पे हरी धनिया लिए हैं थोड़े से, और यहाँ पे लिए लाल मिर्ची पांच, और ये लिए हैं प्याज, इसे अच्छे से हमने तड़का मारने के लिए बारीक में चीर लिए हैं। और यहाँ पे लिए हैं नमक, और यहाँ पे गरम मसाला, ये हमने गरम मसाला लिए हैं। और यहाँ पे लिए है सूखा धनिया, यहाँ पे लिए हमने हींग, और यहाँ पे लिए एक चम्मच हल्दी। तो चलो दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। पहले हम इसे पीस लेंगे, और खड़े मसाले को और धनिया को। दोस्तों हमने इसके अंदर धनिया डाल दिया, कांदा डाल दिए जो बड़े बड़े पीस में काटे थे, और लाल मिर्ची डाल दिए पांच, और लहसुन अदरक, और ये गरम मसाला, और ये सूखा धनिया। अब इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने सारे मसाले पीस लिए, आप जिसे देख सकते हो। तो अब हम बनाते कटहर का भाजी। ये हमने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। अब इसमें हम डालेंगे तेल, वो भी राई का, राई का तेल। तेल को अच्छे तरह से हम थोड़ा गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड्स तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर डाल दिए हींग। अब कांदा, हमने पतला बारीक स्लाइस में कांदा काटे थे वो डाल दिए। तो अब हम इसे अच्छे से लाल होने तक पका लेंगे। तो हमारा कांदा अच्छी तरह के फ्राई होकर लाल हो गया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम कटहर, जो हमने बड़े बड़े पीस में काट लिए थे। तब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, दो मिनट तक पका लेंगे अच्छी तरह से। तो दोस्तों हमने कटहर को दो मिनट तक अच्छी तरह से भून लिए थे, अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर, इसको भी हम दो मिनट तक भून लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने टमाटर को भी दो मिनट तक अच्छे से भून लिया है, अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाला जो हमने पीस लिए थे। अब हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी। और थोड़ा सा पानी, जिसमें हमने मसाला पीस लिया थे उसका हम पानी डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और चार मिनट तक पका लेंगे। इसे अच्छी तरह से हम चार मिनट तक ले मसाले को पका लेंगे। हमारा मसाला चार पांच मिनट भून के हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है अभी। इसमें थोड़ा सा हम और थोड़ा पानी डालेंगे।
अब हम अभी इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक, इसे 10 से 15 मिनट हम पकने के लिए रख देंगे। तो अब हम इसे ढक के 10 से 15 मिनट तक पका लेंगे। तो हमने इसे 15 मिनट तक पका लिए है। इसे 10 मिनट हम और पकाएंगे। अभी थोड़ा हमारा भाजी कटहर का थोड़ा कच्चा है, इसलिए अभी से हम 10 मिनट तक और पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे कटहर का भाजी अच्छे से रेडी हो गया है। इसका खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये रेसिपी तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों, आप देख सकते हो हमारे कटहर का भाजी रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।